hello everyone there is a very common question among students that why embryo gets implanted to uterine wall that is endometrium and not with oviduct that's fallopian tube you all guys know that zygote formation is there in the fallopian tube right and after fly, uh, fallopian tube that particular zygote which travels down the fallopian tube gets implanted to gets implanted to uterine wall okay? so abhi what is the probable reason so you people know that look at the image. This is the image. You people know that implantation is a process in which the developing embryo moving as a blastosis through the uterus makes contact with the uterine wall and remain attached to it until birth. Take any So the lining of the endometrium prepares for the developing blastosis to attach to it via many internal changes. And without these changes, implantation will not occur. एंड द एम्ब्रियो स्लॉप ऑफ ड्यूरिंग मैं ठीक है सच इम्प्लान इज़ यूनिक टू मैमल्स बट नॉट ऑल मेमल्स एग्जिट इट ये चीज़ें थोड़ा याद रखना यहाँ पर आपको दिख रहा है सो so, मैं आपको थोड़ा सा इसको डिटेल में ले जाता हूँ देखिए बिफोर एम्ब्रियोजेनिस बिगिनस द ओवरी रिलीजिज यहाँ पर देखिए द ओवरी रिलीजेज एन अनफर्टिलाइज एग कॉल्ड ऊसाइट या मोर स्पेसिफिकली सेकेंडरी ओसाइट ठीक है एंड यू नो दैट सेकेंडरी ओसाइट्स के बाहर दो लेयरस होती हैं वन इज जोना पैलोसीडा वन इज करोना रेडिएटा एंड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द एग का जो बाहर से करोना रेडिएटा होता है यानी यहाँ पर ध्यान दीजिए जो करोना रेडिएटा होता है ये डैमेज हो जाता है एंड ओनली इज जोना पैलोसीडा रिमेनज इन टैक्ट ठीक है द एग इज़ एनवलप्ड इन एन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कॉल द जोना पैल्योसीडा स्पर्म कैन फर्टिलाइज द एग इन द जोना पेलोसीडा विच प्रिवेंट्स द फर्टिलाइज एग कॉल दाइगोट फ्रॉम एडहरिंग टू द वॉल ऑफ एलोपियन ट्यूब सो यहाँ पर हमने क्या देखा इट इज जोना पैलोसिडा विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्टिंग द एम्ब्रियो टू एग्जैक्ट इम्प्लांटेशन साइट ठीक है तो मैं यहाँ पर बता रहा था कि इफ सम हाउ दम्पलांट्स इन एनी एरिया बिसाइड द यूटरस द रिजल्ट इज एन एक्टॉपिक प्रेग्नेंसी the कंडीशन प्रिवेंट्स द कम्पलीट डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो एंड इट केन काज फेटल हेमरेजिंग इन pregnant female, of course. So यहाँ पर ध्यान दीजिए ये जो आपको दिख रहा है एम्ब्रियो के बाहर से जो ग्रे कलर की लाइन यहाँ पर डायग्राम में दिख रही है इट इज एक्चुअली द जोन ऑफ एल्यूसीडा इट इज स्टार्टिंग डायरेक्टिंग द एम्ब्रियो टू एग्जैक्ट इम्प्लांटेशन साइट इन द यूट्राइन वॉल आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने एक डायग्राम में दिखाया है हाउ यहाँ पर लास्ट पे देखिए हाउ दिस जोना पैलेसिडा कम्स आउट एंड गेट एडहीयर्स विद एंडोमैट्री ये जो लास्ट डायग्राम यहाँ पर दिख रही है आई एम जस्ट जूमिंग आई एम ट्राइंग टू जूम इट आउट यहाँ पर देखिए जो थर्ड वाली नीचे जो डायग्राम है हाउ इट मेक्स कनेक्शन विद द यूट्राइन वॉल सो इट इज़ नॉट रैंडम थिंग कि वैन एवर एम कम्स फॉर्म्स इट विल गो एंड एडहीयर्स टू एनी प्लेस नो इट इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ द जोना पैलेसीडा विच डायरेक्ट अब इसमें अगर हम डीप जाए देन वी हैव टू स्टडी द हाउ डेसिडुआ इज फॉर्म्स देन डेस्डुआ बैसेलिस पैराइटलिस एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सो दैट इज अनादर आस्पेक्ट यहाँ पर मेरा इंटेंशन खाली ये बताना था कि हाउ वाई दिस मेरा सिंपल सा क्वेश्चन था कि ये जो एम्ब्रियो है वाई इट गेट्स इम्प्लाट्स टू द यू ट्राइन वॉल्व ऑनली थैंक्सलॉत